कितना सेंसिटिव है, इनको परिवार को थ्रेट है कि इस परिवार को थ्रेट है या नहीं हम असेस कर लेंगे, लेकिन मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीपी साहब को कि कुछ सिक्योरिटी इस एरिया की बढ़ा दी जाए और कुछ स्टैटिक गार्ड भी हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। सर और लोगों की गांव वालों से मिले आप या पुलिस से कोई डिमांड की हो? मैं अभी गांव वाले से अंदर जब बैठे थे, उनके रिश्तेदार गांव वाले, उनसे बात कर चुका हूं और दे आर सेटिस्फाइड विद द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और क्योंकि से सवेरे 7 बजे ये वाकया हुआ है सीगा और 7 बजे के बाद अभी से मान लो 6 बजे से 6:30 बजे अगर हम मीडिया को बता रहे कि 2 लोगों की पहचान कर चुके हैं, इसका मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर ही हम दोनों की यू नो आइडेंटिफाई कर चुके दोनों को। सर वेपन के बारे में बता सकते हैं कौन से वेपन यूज किए गए? वेपन ये देसी वेपन थे, देसी कट्टे थे दोनों। और आपको शायद मीडिया को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश से काफी कुछ इस तरह के वेपन्स आ रहे हैं और पंजाब पुलिस ने बड़ी सख्ती करके इसके पहले काफी एक्यूज्ड आर्म्स एक्ट केसेस में पकड़े गए हैं और बड़े सारे वेपन हमने बरामद भी करे हैं। तो पंजाब पुलिस बहुत एक्टिव है और जनता के लिए हर वक्त रेडी है और इसीलिए मतलब आप ये देख रहे हो कि इतने प्रॉम्प्टली हर केस में एक एक्शन हो रही है। डीजीपी साहब से क्या बात हुई, क्या उन्होंने अगर बता दें? डीजीपी साहब की तरफ से सख्त आदेश थे कि मैं यहाँ पे आऊं और मिस्टर रंजीत सिंह सीपी अमृतसर, अब उनको भी कहा गया था कि ये जल्दी इस केस को प्रेस करें, दोषी को अरेस्ट करें और इसी के कारण मैं यहाँ पे आया। उम्मीद की जा रही है कि पहचान हुई है उनका, कोई क्रिमिनल कौन कारण पता लगा, क्या कारण है? मोटिव पता लग जाएगा जी, जब बंदे पकड़े जाएंगे उसका पता लग जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड बता दीजिए। एक का क्रिमिनल, दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक के खिलाफ 10 FIR है और दूसरे के खिलाफ NDPS का FIR है और कोई 1-2 FIR और होगी। गैंग के तो नहीं, प्रॉपर अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं है, जब पकड़े जाएंगे पता लग जाएगा।